हेलो एवरीवन, इट्स डॉक्टर महिमा अगेन। सो आज हम बात करेंगे कि विटिलिगो के पेशेंट्स को कौन सा जूस पीना चाहिए और कौन सा जूस नहीं पीना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि विटिलिगो क्या होता है। विटिलिगो आपकी स्किन पर तब आता है जब आपका मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और ये एक ऑटोइम्यून बीमारी की वजह से होता है। सो आपको ऐसे जूसेस पीने की ज़रूरत है जो कि आपके मेलेनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। सो बात करते हैं कि ऐसे कौन से जूस हो सकते हैं। तो सबसे पहले और मेरा जो फेवरेट जूस है वो है कोकोनट मिल्क का और डेट्स का जो मिक्सचर होता है। सो इसको हम शेक भी बोल सकते हैं। सो कोकोनट मिल्क आप पी सकते हैं और कोकोनट मिल्क में आप अगर डेट्स को उसको ग्राइंड कर ले तो बहुत ही अच्छा एक मिक्सचर और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मिक्सचर आपको मिलेगा। तो जितने भी मेरे विटिलिगो के पेशेंट्स हैं जो बच्चे हैं और उनकी मदर्स बहुत परेशान रहती है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या उनको दे और क्या उनकी न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी हो रही है बिकॉज ऑफ द डाइट। सो आप उनको कोकोनट मिल्क और प्लस डेट्स का जो मिक्सचर है उसका शेक पिलाइए। इसमें आप फ्लेक्सीड्स या फिर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड ऑन कर सकती है फॉर द टेस्ट। सो नेक्स्ट जो कि जूस आप यूज़ कर सकते हैं वो एक डिटॉक्स ड्रिंक की तरह भी आप बना सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको पानी लेना है, पानी में आपको मिंट की लीव्स ऐड करनी है और उसमें आपको जिंजर के पीसीज ऐड करने हैं। अब इस जो मिक्सचर को आप थोड़ी देर रख दीजिए तो अब इसकी जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में इन्फ्यूज हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस की एक डिटॉक्स ड्रिंक मिलेगी जिसको आप डेली बेसिस पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी मिलेगी और बच्चे इसको बहुत ईजिली कंज्यूम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रिंक है कि आप गन्ने के जूस का सेवन कर सकते हैं। यस, आप शुगर केन जूस को पी सकते हैं विटिलिगो के केसेस में। तो अब गर्मियाँ जैसे बढ़ रही है तो आपको वो कूलिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी देता है और बहुत अच्छा रहता है गन्ने का जूस आपको गर्मियों में। नेक्स्ट है कि आप वाटरमेलन का जूस पी सकते हैं। कुछ बच्चे या फिर कुछ बूढ़े लोग जो कि फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं तो आप उनको जूस की फॉर्म में दे सकते हो। आप जो वाटरमेलन है उसको क्रश कर दीजिए और उसमें मिंट भी डाल सकते हो, आप उसमें थोड़े बहुत फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हो जिससे और ज़्यादा वो न्यूट्रिशियस हो जाएगा और ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और विटिलिगो के पैचेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन से जूस आपको नहीं पीने हैं। आपको जितने भी खट्टे फ्रूट हैं उनके जो जूस बनते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। जैसे कि आपको संतरे का जूस या फिर मौसम्बी का जूस नहीं पीना है। इवन आपको जो हमारे फलों का राजा होता है आम, आम का जूस भी नहीं पीना है। इस गर्मियों या फिर जब तक आपका इलाज चल रहा है तब तक आपको नहीं पीना है, जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप पी पाएंगे। सो आई होप जितने भी आज आपको मैंने शेक और जूस रिकमेंड किए हैं आप यूज़ करें और उसके फ़ायदे उठाएं। थैंक यू।